कलयुग के राम की स्क्रीनिंग की गई है, बहुत लोग शामिल हुए हैं। सबसे पहले आपने भी फिल्म देखी, आपको कैसा लगा? मुझे तो क्या बोलूं, मेरी फिल्म है तो मुझे अच्छी ही लगेगी, लेकिन इसलिए मैं आज प्रीव्यू रखी हूँ जन्मदिन के दिन की, जो भी लोग मेरे आए हैं और जो भी मेरे गेस्ट हैं वो एक तरह से कला के जगह के दिग्गज लोग हैं, तो वो मुझे बताएं कि मैंने कैसा काम किया है और कैसी एक्टिंग करी है, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग था एक हीरोइन के लिए, बिकॉज की जो हीरोइन होती है वो हमेशा ग्लैमर दिखना चाहती है, खूबसूरत दिखना चाहती है, और इसमें बिल्कुल ही जिस तरह से मुझे डायरेक्टर ने बोल दिया था, तो एक चूँकि थिएटर से थी तो मैंने चैलेंज दिया कि नहीं मैं जैसी भी दिखूँ ये रोल मैं करना चाहूँगी, क्योंकि बिहार की स्टोरी है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो जो फीलिंग थी जो इमोशन था मैंने कोशिश करी है कि मैं यहाँ पर, अब दर्शक बताएंगे। दीपिका मैम आपने फिल्म देखी, आपका क्या रिएक्शन है? मैं फिल्म देख रही हूँ जी, तो कंप्लीट नहीं हुई है, इंटरवल हुआ है, पर ये स्टोरी बहुत हटके मुझे लगी, एंड जहाँ तक मैंने हीरो हीरोइन ड्यूपी डायरेक्शन म्यूजिक जो जो मैंने देखा अब तक, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हटके है। दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल फिल्म, बट ये एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू जाने वाली है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी टचिंग सब्जेक्ट। एक इमोशनल बॉन्डिंग है इस फिल्म में कि एक गरीब आदमी कैसे अपने परिवार को खुश रख रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल परफॉर्म्ड फ्रॉम एवरी एंगल। अब मुझे यही है, जब इंटरवल हुआ मैंने कहा ये ट्विस्ट क्या है, तो उन्होंने कहा आगे जाके आपको पता चलेगा, आप देखिए। सो इट होल्ड्स यू, आई थिंक फॉर अ फिल्म टू होल्ड, यही बहुत उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की निशानी होती है। सो इट्स अ लवली फिल्म एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग टू वॉच इट। असल में बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है जो आपने निभाया है, हम जैसे देख रहे थे, कैसे हुआ ये सब, कैसे आप तक फिल्म पहुंची और ये जो रोल आपको मिला था, तो कैसे क्या मन में ख्याल है? देखिए ये रोल के पीछे सुधीर जी की भैया की जो कहानी है, इन्होंने एक बार मुझे सुनाया कि ऐसा कॉन्सेप्ट है तुम करोगे क्या, मुझे ये सुन के इस बात का आश्चर्य हुआ कि भैया का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ये मुझे सुना रहे हैं। हालांकि चैलेंजिंग तो रहा है, रिक्शे वाले जो माह वाले इस परिवेश को हमने बहुत करीब से नहीं देख पाते, लेकिन हमारे शहर में जो है गांव में है लोग इसे चलाते हैं, उनके बीच में जाके देखा मैंने इस चीज़ को, मुझे ऐसा लगा कि नहीं तुम कॉन्सेप्ट का बहुत मिलता कर सकता, बाद में देख लिया पास नया पड़ा भैया आप जो कहानी सुनाए थे उसके मैं काम करना चाहूँगा, सबसे बड़ा अच्छा होता है, और इसमें इनका बहुत सहयोग रहा है, राजीव भैया का बहुत बहुत सहयोग रहा है, उसमें तो चला गया तो चैलेंज तो था, लेकिन कैसा काम हुआ है कैसा हुआ है, तो सब सीनियर लोग हमारे आए हैं, आप देख के बताएंगे कैसा लग रहा है। सुजीत जी आप बताइए अपने शब्दों में फिल्म के बारे में। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, बट एक ही लाइन बोलूँगा, मैंने कोशिश की कुछ अच्छा करूँ, उसमें कहाँ तक मैं क्या पहुँच पाया हूँ, ज़्यादा बोलना मुझे आता है इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। चंदन भाई कितना दिन में रिक्शा चलाना सीखे हैं? सही सही दम दिल पे हाथ रख के बताइएगा। दूध में दम सीख गए थे। और मैम के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत सीनियर मैम और फैमिली जी के साथ, हम लोगों के जितने भी लोग थे फैमिली जी से मेरे से जितने भी लोग थे यूनिट में कलयुग के राम, सब लोग मेरे से बहुत सीनियर हैं, इन लोगों का अनुभव का फायदा मुझे बहुत मिला है। कितनी डांट पड़ी है सेट पे? सुधीर सर तो छोड़ते ही नहीं थे, उसके लिए भी डांट खाता था, और कहीं कहीं जगह डांट का फायदा आज सराहना मिल रहा है। अब अच्छा लग रहा है? रोते रहते थे सेट के पीछे आके, अरे श्याम जी ने आज तो बहुत ज्यादा बोल दी, इतना नहीं बोलना चाहिए डायरेक्टर को, मूड ऑफ हो गया ये हो गया, अब समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं। दीपिका मैम श्यामली जी भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में साक्षात देवी के रूप में जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मैं क्या कहूँगी, आपके सामने दो देवियाँ बैठी हैं, आप बताइए। ये है मुल्लू जी भी हैं हमारे बहुत अच्छे एक्टर, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी
फिल्में करी है और इन्होंने भी सहयोग दिया, पटना से आकर के इन्होंने शूट किया था और उनको भी आप पूछ सकते हैं कैसा लगा पहली बार वो रिक्शा वाला बने हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छी बनी है और सुजीत जी कमाल के हैं, इमोशनल बहुत अच्छा पकड़ते हैं। ये बड़ी बात होती है कि डायरेक्टर इमोशन पकड़ लेते हैं और हम लोग तो कुछ खुदियाँ होते हैं जो होता है करेक्टर को परफॉर्म करते रहते हैं। थैंक यू सुजीत जी का, राजीव जी का और शामली जी का और पूरी टीम का, चंदन का कमाल, थैंक यू। अच्छा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा बीच में, एक वाक्य ये था कि भैया के सेट पे आने से दो दिन पहले मुझे इन्होंने बताया कि पंचायत दखले बढ़ा हुआ है, हाँ भैया दखले दबा। अब जो माधव वाला जो कैरेक्टर है जिनका बकरी खुद जाते रहे भैया, तो कहो भाई थिएटर के एक्टर है खड़े खड़े खा जाइए, तो ध्यान रखिए बड़ा सीन पर एकदम दिन असेट कर रहा, बड़ा हेडेक रहे वो बहुत बड़का, लेकिन भैया बाद में कहते कि ना तो ठीक कर रहा था बड़ा कि ना चलो कुछ तो ठीक कही तो नहीं भैया तारीख कर। नहीं ये वाली जो बात है ना ये अक्सर पता नहीं बहुत लोगों से सुने, थिएटर में भी सुनते थे कि एक्टर खा जाना, एक्टर अपने करेक्टर में होता है, वो खाता नहीं उसे एनहांस होता है, अच्छा परफॉर्म होता है तो और एनहांस होता है। श्यामली जी बर्थडे में सबसे पहले विश किसका है आपके पास? सबसे पहले तो जो स्पेशल है लाइफ में उन्हीं का आएगा, हस्बैंड का वो तो पास में रहते हैं। हाँ वो हर वक्त सबसे पहले विश्वास चंदन सब लोग आता है। सबसे पहला मैसेज किसका आया था? मेरे एक हैं भोजपुरिया भाई, उन्होंने 12:00 बजने वाला ही था, 5 मिनट पहले ही उन्होंने मैसेज और वीडियो सब एडवांस में, और वो इसलिए भेज दिए कि मैं फर्स्ट ही रहना चाहता हूँ, मुझे सेकंड वन बनाइएगा। क्या क्या गिफ्ट मिला है, कुछ खास गिफ्ट मिला बर्थडे पे? तो बहुत अच्छा दिया है, पहले तो ये फिल्म हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है, थैंक्स देसी टोटल्स की उन्होंने आज ही प्रीव्यू रख दिया मेरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा बर्थडे तो बनता ही है, या तो आउटडोर जाती या तो रेस्टोरेंट में जाती या तो पब में जाती और कहीं कहाँ जाती, लेकिन इस तरह का एक कलाकार होने के नाते मैं चाहूँगी मेरा हर बर्थडे इसी तरह से मने, मैं फिल्में साइन करूँ, मैं फिल्म रिव्यू देखूँ, मैं फिल्म देखूँ थिएटर के अंदर खुद की, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू।